अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, न्यू स्टडी एंड न्यू इंटेंसिव रिसर्च के अकॉर्डिंग चाइना क्रिएट वैक्सीन कोविड 19 का विद क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया और अर्थराइटिस जैसे बीमारी में दी जाती है। क्लोरोक्वीन विद नाइजीरिया सटीवा एक्सट्रैक्ट यानी कलौंजी के एक्सट्रैक्ट के साथ जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन में अच्छा प्रिवेंशन का काम कर रहा है। कलौंजी में कंपाउंड थाइमोक्वीन है जो बेटर सब्सटीट्यूट है हाइड्रोक्लोरोक्वीन का। कलौंजी में थाइमोक्वीन 30-48% होता है। सभी को पता है कलौंजी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मेडिसिनल हर्ब है और 1400 साल पहले ही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कलौंजी में हर मर्ज की दवा है मौत को छोड़ के। पहले कलौंजी के थोड़े से बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें और ये बैक्टीरिया को भी किल करने में हेल्प करता है। हमारे लीवर किडनी को भी ये प्रोटेक्ट करता है। लीवर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है। जितने भी डेंजरस इन्फेक्शन वाले डिजीज़ होते हैं, एयर इन्फेक्शन से लेके निमोनिया तक, सब में हेल्प करता है। तो इसे हम बहुत आसानी से अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अनगिनत फ़ायदे के लिए यहाँ हाफ टी स्पून कलौंजी ले लिया है। इसका हम बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाएंगे और इसको ऐसे ही क्रश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के शहद। शहद भी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है और शहद में भी शिफा है, तो दोनों चीज़ें मिलके बहुत ही इफ़ेक्टिव ये रेमेडी बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे बना के रख लें। इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं और इसे बस थोड़ा सा, जितना ये इस आप देख रहे हैं इतना, या जो स्पून से हम लोग खाना खाते हैं उसके आगे का जो पॉइंट होता है, बस ज़रा सा लेके खा लेना है और पानी पी लेना है। इसके बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप सबको भी पता है कि हनी में कितने फ़ायदे होते हैं, कलौंजी में कितने हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है इसे लेने का। आप कभी सीख हो या हेडेक प्रॉब्लम हो, बहुत लोग का अक्सर सर दर्द किया करता है, या कोई भी इम्यून डिजीज़ हो, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इसे भी लें और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बस थोड़े अमाउंट में लेना है, 4-5 सीड तक ही कंज्यूम करना है। कलौंजी को हम और दूसरी तरह कैसे ले सकते हैं, जो बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके और साथ में आपका वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून कलौंजी ले लेंगे, 1/2 टीस्पून ही सौंफ ले लेंगे और बहुत पतला पतला 1 या 2 स्लाइस नींबू का ले लेंगे, लेमन का ले लेंगे। और यहाँ पे 1.5 कप पानी ले लिया है। पानी को पहले अच्छा बॉयल आने देंगे, फिर उसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे और यहीं पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून सौंफ। सौंफ भी बहुत फ़ायदा करता है। और यहीं पे 1 या 2 स्लाइस नींबू का डाल देंगे। इसको रस नहीं डालना है, पूरा जो छिलका लगा रहता है उसके साथ ही डालना है। और इसमें एक अच्छा बॉयल आने के बाद फ्लेम को स्लो करके और इसको ढक देते हैं। पूरा 10 मिनट तक इसमें सब कुछ इन्फ्यूज़ होने देते हैं। 10 मिनट इन्फ्यूज़ करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। ये दूसरी भी रेमेडी हमारी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, इनडाइजेशन हो या वेट लॉस हो, सब में आपको हेल्प करेगी। और इसे बिल्कुल आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसमें मिला देंगे 1 टीस्पून शहद। अगर अच्छा शहद है तो ही आप डालें, नहीं तो बिना शहद के भी आप इसे ले सकते हैं, पर ठंडा नहीं पीना है, इसे गुनगुना ही लेना है। और शहद को बहुत गर्म टी में नहीं डालेंगे, जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा फिर डालेंगे। और इसे आप किसी भी टाइम पी सकते हैं। तो ये दोनों ही रेमेडी हमारी एकदम मैजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली हैं और ये बहुत ही आसानी से आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इन सब के बेनिफिट स्लो रहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रहते हैं और धीरे धीरे हमें इसके फ़ायदे दिखते भी हैं। तो साइंस भी अब यही कह रही है, हमारा फेथ तो पहले से है ही। और बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो उसको ये ठीक करता है। इस मुश्किल वक्त में इसके बहुत सारे फ़ायदे के लिए हम सबको इसे लेना चाहिए और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होने के बाद भी इसे हमें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, कलौंजी को किसी भी फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।